हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? और भाई कैसे हो आप लोग? और भाई कैसे चल रही है आपकी रैंक पुश? तो भाई आज का डे 3, और भाई आज मतलब जहाँ तक सारे बंदों का मतलब डायमंड 2 के ऊपर मतलब 50 के पॉइंट, किसी का डायमंड 1 हो गया होगा, ठीक है? तो भाई सबका मतलब लगभग डायमंड 1 के आसपास लग चुका होगा। और भाई मतलब कल का टारगेट रहेगा कि क्राउन और मतलब 4 लगाने का ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है? तो भाई देखते हैं 200 पॉइंट होते या नहीं होते। तो बट मैं तो बोलूँगा कि भाई 200 पॉइंट करो। और हैकर की चीज़ देखो भाई, हैकर तो ये आते रहेंगे, इन पर ध्यान मत दो। बट मुझे ज़्यादा हैकर नहीं मिलता, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, ऐसा पता नहीं भाई। मतलब बहुत ही मैचेस खेले मुझे, मतलब उनमें से मतलब कुछ ही मैच में ऐसा हुआ कि हैकर आए, ठीक है? अभी जो प्लेटिनम नीचे वाले जो बंदे हैं ना भाई, प्लेटिनम 5 और जो गोल्ड वाले बंदे हैं, उनको ज़्यादा हैकर मिलने ही वाले हैं। बिकॉज भाई सब बंदे मतलब न्यू न्यू आईडी से ट्राई करते हैं हैकर, तो भाई उनको ज़्यादा फेसिंग होती है भाई हैकरों से, मतलब ठीक है ना? जो बंदे अभी मतलब ज़्यादा हाई टीयर पे, मतलब मेरे जैसे देखो डायमंड 1 मतलब 2 के आसपास या 3 के आसपास, तो भाई उन बंदों को है ना हैकर बहुत ही कम मिल रहा है भाई, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है ना? तो भाई ये बंदा मतलब देखो क्या ही मतलब मारा इसको भाई, पता नहीं भाई कहाँ से आ रहा था, मतलब क्या ही सोच के आया था पता नहीं। इसको गंदा मैं पेल दिया मैंने, देखते ही भाई रिपार 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 मतलब फाड़ दिया उसको, ठीक है? तो भाई इसके साथ ही मेरे यहाँ पे देखो 6 किल कंप्लीट हो जाते हैं। और भाई मैं पूछिंग के आया था तो मैं यहाँ पे मतलब पूरा ड्रैगन वॉल खोल लिया भाई, ठीक है? और मेरा जो विशमैन मांग लिया मस्त वाला, मतलब भाई मैक्स वाला फुल, मतलब कितना भी उड़ सकता हूँ इसके इसके वजह से, ठीक है ना? तो भाई मैं पूछिंग के आया था इसकी वजह से भाई, पूछिंग की भाई हैकर नहीं था मैच में, ये बड़ी चीज़ हुई यहाँ पे, ठीक है ना? ये बहुत ही ठीक हुआ मेरे इसमें। तो भाई अभी लोगों 6-7 किल तो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे, अब बस सर्वाइव करना था, टॉप 10 करना था। और लास्ट में मतलब चिकन क्या ही हुका भाई, मतलब थोड़े थोड़ा सा नॉर्मल से भाई चूक हो गई मेरे से, और भाई चिकन मेरा मतलब ले लिया बंदे ने, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे ही सब्सक्राइबर हो गए तो भाई भाई चिकन देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आपने मार लिया मुझे, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया, ठीक है? तो बहुत सारे बंदों को मतलब किसी कोई कोई बंदों को पेड पुश करना हो, मतलब DM कर रहे हो तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में देख लो, इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, ठीक है? किसी को पेड पुश करना हो तो मेरे को वहाँ पे DM कर देना। मेरे मतलब मेरा जो मैं अभी कॉन्करर कर रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ में मतलब 6 घंटे मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं आपकी आईडी पे स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? तो अभी जल्दी से बुकिंग करो, बाद में भाई बहुत दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे बंदे एक साथ में मेरे को बोलते भाई पेड पुश कर लो, पेड पुश कर दो, तो भाई वहाँ उस टाइम भी बहुत दिक्कत हो जाती है। इसकी वजह से पहले बुकिंग कर लेना भाई, अगर किसी को करना हो तो, ठीक है? तो भाई आज के वीडियो में मतलब कुछ सर्वाइव टिप्स देने वाले हैं बहुत सारे बंदों को, मतलब सर्वाइव मतलब टॉप 10 करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत क्यों हो रही है भाई, बहुत दिनों के बाद आप सोलो पिप भी खेल रहे हो, या फिर आप भाई नए बंदे हो सोलो पिप में, तो आप भाई ज़्यादा रश करके खेलोगे ये तो मुझे पता है भाई। बिकॉज आप मतलब आप ज़्यादा किल के पीछे भागोगे, ये मुझे पता है। बिकॉज भाई हर एक बंदे का प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा रश खेलता है, बिकॉज उसकी स्क्वाड मतलब उसको स्क्वाड रैंक पुशिंग की आदत रहती है, तो थोड़ा सा बंदा पुश करके खेलता है, ठीक है? बट इधर ऐसा नहीं चलता भाई, इधर होल्ड गेम प्ले ज़्यादा चलता है सोलो FPP में भाई, बहुत ही हार्ड लॉबी रहती है। मतलब अभी तो फिलहाल के लिए नहीं, बट जैसे अभी क्राउन से स्टार्ट होगा ना, तब पता चलेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, और जो बेल वाला आइकन ना भाई दबा के लाल कर दो, ठीक है? जो अभी ड्रैगन वाला मोड आया ना भाई, इसमें से भाई KD मेंटेन करना बहुत ईजी हो चुका है। बिकॉज आप अगर वही जहाँ पे इवेंट पे उतर जाते हो ना, वहाँ पे आपके मतलब 5-6 किल तो ईजी हो जाते हैं अगर होल्ड करके खेलते हो तो, ठीक है? तो मैं वहाँ पे ज़्यादा किल्स निकाल ले रहा हूँ भाई, हर मैच में मेरा मतलब 9-10 किल हो रहा है आराम आराम से, ठीक है? और प्लस भी बहुत बढ़िया मिल जाता है अगर ज़्यादा आप किल्स हो, उसके साथ टॉप 10 कर ले तो और बढ़िया, मतलब लॉबी अच्छी हो तो फिर प्लस ही प्लस मिलेगा बहुत बढ़िया वाला आपको, ठीक है? 47-48 के आसपास आपको प्लस मिलते रहेगा अगर ऐसे उस तरीके से खेलते रहोगे तो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से भाई अपना मतलब पोजीशन तो मैंने बहुत बढ़िया पकड़ रखा था, बट मुझे ये नहीं पता था अभी जोन किस साइड में जाएगा, इस साइड में या उस साइड में, ठीक है? तो भाई आप 6 घंटे कम्प्लीटली खेल लिया करो भाई दिन में, तो भाई बहुत ही बढ़िया रहेगा, जल्दी जल्दी से कर लोगे तो, ठीक है? बिकॉज भाई यार अभी देखो भाई, बाद में बहुत ही हैकरों को दिक्कत हो जाती है, अगर हैकर मतलब मुझे लगता तो नहीं है बाद में दिक्कत आएगी, बट भाई बाद में ऐसा हो भी सकता है कि भाई हैकर आ जाए लॉबी में बहुत सारे, और आपको पिछले मतलब पिछले बार की तरफ मतलब प्रॉब्लम फेसिंग करना पड़े। तो इसके पहले भाई एक किल देख लो यार, इसको क्या ही मारता हूँ मैं, ये स्नाइपर चढ़ा रहा था, मेरे को पता था ये बंदा मतलब ध्यान नहीं देगा मेरे पे, देखो भाई इसको क्या ही पिलता होगा। तो ये चच्चा भाई देख रही थी नीचे, इनको पता ही नहीं हवा में कौन आके कौन मार के चला गया, तो भाई ये सब मुझे हैकर समझ रहा था, बट उसको पता ही नहीं था मैं हूँ कौन,
ये मेरा मतलब वैसे देखा जाए तो मैं लॉबी पे जाके इससे बात भी की, तो भाई ये मेरा सब्सक्राइबर था जिसने बोला भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ बट आपका नाम नहीं पता था आपका कैरेक्टर का, मुझे तो पहले हैकर ही लगा भाई बिकॉज ये मतलब जोर से आया ना इतने तेज़ी से आया मुझे पता ही नहीं चला भाई खो कब आया और कब मार के चला गया। तो भाई ये बंदे ने मेरे को रिपोर्ट भी मारा है ऐसे बोला वो ठीक है, पर बाद में उसको पता चला था मैं वो, तो भाई उसने सॉरी माफ़ी मांगी तो भाई ठीक है कोई बात नहीं दिक्कत नहीं हो जाता है। तो भाई देखो ऐसे कर करते मेरा ओवर किल हो जाता है या फिर 10 किल मेरा कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इजी खेल लेते हो तो भाई आराम से हो जाएगा, अगर भाई आप जल्दबाजी में खेलते हो जल्दी जल्दी सर्कल मतलब अंदर घुसते हो सेंटर सेंटर पकड़ते रहते हो ठीक है भाई, सीधा सेंटर मत पकड़ो यार थोड़ा सा को मतलब इतना भी नहीं बट कोना कोना पकड़ भी खेल सकते हो आप इजीली ठीक है। सेंटर जब खेलो भाई अगर आपको फुल लिजिट लॉबी लगे थोड़ा सा मतलब जगह भी अच्छी हो कवर वाली तो तभी आप सेंटर पकड़ो, नहीं तो मत पकड़ो। ओपन जगह हो तो भाई सेंटर मत पकड़ना ठीक है, बंदा को यही दिक्कत आ जाती है यही आपका टॉप 10 निकल मतलब मुक जाता है भाई, बंदे जल्दी जाते हैं और मर जाते हैं फिर टॉप 10 नहीं हो पाता है फिर डिमोटिवेट होते हैं सेकेंड मैच में वही सीन करते हैं, एक बार डिमोटिव हो गया ना आदमी तो भाई बात खत्म ठीक है। तो यहाँ से आगे वाली फाइट देख लो भाई क्या ही लाजवाब भाई, मतलब यहाँ से मैं आया भाई ऊपर और देखो भाई ये को पता ही नहीं था ये बंदा यहाँ पे होगा, तो देखो अभी सीन क्या होता है यहाँ पे 2 किल मिल जाता है अपने को और बट चिकन यहाँ पे थोड़ा सा तो भाई बाई मिस्टेक निकल जाता है देखो, तो इसको दे दिया मैंने और इसके साथ में भाई नीचे और एक बंदा, मेरे को ऐसा लगा भाई इस वाले टावर पे 2 बंदे पर भाई यहाँ पे एक ही बंदा था, एक बंदा था पीछे, अभी क्या ही बताओ यार क्या ही सुनवा। देखो यहाँ से तो ग्लिच से दिख गया था बट मैंने फायर किया ना भाई, मेरे को तो उस साइड में था शायद से वो बंदा, तो मेरे को लगा भाई ये ग्लिच होगा कुछ अलग ही दिख रहा है मेरे को वहाँ पे, तो मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को ठीक है। नीचे वाले बंदे को ट्राई किया भाई, नीचे वाला बंदा मेरे को आराम से दिख जाता है तो भाई मैं इसको पेल लेता हूँ आराम से। तो ये वाला किल भी इजीली मिल जाता है, ये बंदा लेट गया था क्या सोच रहा पता नहीं, तो मेरे को इसकी ये लेटा हुआ था नीचे इसकी वजह से मेरे को लगा भाई इसी बिल्डिंग इसी मतलब टावर में बंदा होगा ऊपर के माले में बट यहाँ पे नहीं था भाई, सीन हो जाता है देखो। तो ये बंदा भाई चिकन ले जाता है यहाँ पे बहुत ईजी वाला मेरा, तो देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्लस भी मिल जाता है मेरे को #2 के साथ में ठीक है। तो यहाँ पे 32 का प्लस ईजी मिल गया, थोड़ा सा लॉबी ओड हार्ड होता तो मेरे को यहाँ पे 40 से आगे मतलब प्लस मिल जाता बट ठीक ठाक प्लस मिला भाई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ऐसा प्लस ऐसा लॉबी अगर क्राउन पे लाएगा तो भाई और अच्छा, तो भाई ऐसे ही करते रहो रैंक कुछ धीरे धीरे से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बोले टाटा एंड बाय बाय सी यू गाइज। और भाई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में बताना जरूर, कुछ दिक्कतें आ रहे हो तो ठीक है मैं आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं हुई भाई इसलिए बनाऊँ कि भाई आपकी मदद कर सकूँ ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बोले टाटा एंड बाय बाय।